वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टेक बाजार में। मैं आपका दोस्त और होस्ट इंजीनियर गौरवदीप शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का और आशा करता हूं आप लोग एकदम से अच्छे होंगे। इससे पहले जितने भी वीडियोस हमने पर्टिकुलरली कास्टिंग के ऊपर बनाए हैं, सब पे एक ही चीज पे एम्फसाइज किया है, वो टॉपिक था टेम्परेचर। अलॉय को पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लाकर ही मेल्ट करना है, ये बार बार हम लोग कह रहे हैं, पर उसको मेजर कैसे करेंगे? पीडीसी मशीन के अंदर तो ये यूनिट ऑलरेडी इनबिल्ट होती है, और नॉर्मल लेवल इंडस्ट्री जो हमारी मीडियम स्केल इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वहां पर ऐसी कोई सुविधा नहीं होती। फोरमैन को अपने विवेक के हिसाब से पॉट का टेम्परेचर देखना होता है और उसी के हिसाब से वो कास्टिंग शुरू करता है। नॉर्मली वो लोग क्या करते हैं, जब टेम्परेचर बन रहा होता है तो ऊपर जो मलाई जिसको वो बोलते हैं आती है, उसको छलने से निकाल के बाहर रख देते हैं। एग्जैक्टली वो मलाई निकालनी नहीं होती है, उसको मेल्ट होने देना है। रीजन चूंकि वो हैवी मेटल्स हैं जो कि अपने डिजायर टेम्परेचर पर जाकर ही मेल्ट होंगे, पर नॉर्मल इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। तो उसका ड्रॉबैक क्या होता है, जो मेटल्स हमारी अलॉय में रह जाने चाहिए थे वो निकल के बाहर चले जाते हैं। रीजन चूंकि हमारे पास मेजरिंग इक्विपमेंट्स थे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम एंटीमनी की बात करें तो 500 टेम्परेचर पर जाकर ही वो मेल्ट होता है, कैल्शियम के लिए 600 और एंटीमनी के उसके सिलेनियम के लिए 550। जब हमें ये पता है तो हम उसको डिजायर टेम्परेचर तक लेके कैसे जाएंगे, क्योंकि लेमन इंडस्ट्री में ऐसी कोई मशीन रीजनेबल कॉस्ट में अभी तक नहीं थी। उसी को कंप्लीट करते हुए दोस्तों हमने ये मशीन इन्वेंट की है। इस मशीन की सबसे बड़ी जो यूएसपी है, तो एक बहुत कॉम्पैक्ट मशीन है, इजी टू कैरी है, कहीं पे भी आप इसको कैरी कर सकते हो, ले जा सकते हो, और लो कॉस्ट है। टेक बाजार का एक ही सोचना या मानना है कि हमें मशीन्स अपने उन भाइयों के लिए बनानी है जो बहुत ज्यादा कॉस्टली मशीन्स अफोर्ड नहीं कर सकते और उसके अभाव में वो अपने कहीं गलत ट्रैक पे वर्किंग कर रहे हैं। ये मशीन आज की डेट में इतनी रीजनेबल है कि हर एक लेमन इंडस्ट्री में इसको अफोर्ड कर सकता है। छोटी है, अच्छी है, और इसकी वर्किंग को मैं भी आपको समझाने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। यहां पर आपने देखा एक टेम्परेचर कंट्रोलर मीटर लगा हुआ है जो कि मेरे को यहां टेम्परेचर बताएगा भी एज वेल एज उसको कंट्रोल भी करेगा, यानी कि मुझे किस टेम्परेचर तक अपने अलॉय को हीट करना है वहां तक भी वो मेरे को बताएगा और पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ले जाकर उसको कट भी कर देगा। आप अगर इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज करते हो तभी भी, और आप एलपीजी फर्नेस यूज करते हो तभी भी, ये दोनों ही जगह पे आपके रेगुलेटर को सिग्नल पास करता है जिससे कि आपकी गैस आइदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही बचती भी है। ये मीटर शो करता है कि इलेक्ट्रिसिटी इस यूनिट के अंदर आ रही है नहीं आ रही, ये इंडिकेटर है, ये इसका ऑन ऑफ स्विच है। जैसे मैं इसको ऑन करता हूं यहां पर ये सेंसर बताएगा कि किस टाइप का सेंसर हमने लगाया हुआ और हमारे लोड को ऑन कर देगा। ये लोड ऑन होने का मतलब है कि इधर हमारे हीटर वर्किंग में है और हमारा सोलेनोइड वाल्व ऑन है जिससे कि एलपीजी हमारे फर्नेस तक जा रही है। डिजायर टेम्परेचर अभी जो हमारे पास है वो 21 है। माना हमारे फर्नेस का टेम्परेचर हमें 500 पे लेके जाना है, तो यहां दिखाने के लिए मैंने उसको 50 पे अभी सेट किया हुआ है। यानी कि जैसे ही 50 टेम्परेचर आएगा, यानी कि फर्नेस पे 500 की हम बात कर रहे हैं, 500 टेम्परेचर वहां आएगा, ये लोड कट हो जाएगा, यानी कि हमारे हीटर शट डाउन हो जाएंगे और हमारा एलपीजी फर्नेस भी स्टॉप हो जाएगा। इसको मैं लाइव करके दिखाता हूं। ये इसका जे टाइप सेंसर है जो कि हमें फर्नेस के अंदर सेट करना है। इसका अटैचमेंट भी हम मशीन के साथ देने वाले हैं। आइए इसको देखते हैं करके। मैं यहां इसको हीट करता हूं एक एक्सटर्नल सोर्स से। यहां मैंने टेम्परेचर सेट किया हुआ है 50। जैसे ही 50 पे जाएगा ये इसको शट डाउन कर देगा। आपने देखा ये 50 पे जाते ही शट डाउन हो गया। अब इस सोर्स को मैं पानी के अंदर डाल के ठंडा कर रहा हूं, यानी कि जैसे ही टेम्परेचर 50 से नीचे आएगा ये वापस से वर्किंग में आ जाएगा। आपने देखा ये वापस वर्किंग में आ गया, यानी कि मेरे टेम्परेचर पॉट का जो टेम्परेचर है, फर्नेस का जो टेम्परेचर है, उसको मेंटेन करने के लिए मेरे पास एक डिवाइस आ गई जिससे अब ना तो मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है और ना ही मेरा मेटल या मेरा अलॉय पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे जाके कहीं कास्ट हो रहा है। तो दोस्तों इस मशीन की इंपॉर्टेंस को आप समझ गए होंगे। ग्रिड कास्टिंग के लिए इस मशीन का आपके फर्नेस पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और चूंकि कॉम्पैक्ट है और रीजनेबल कॉस्ट में, तो आप इसको आराम से बाय भी कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों को अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए इसकी आवश्यकता है वो हमसे हमारे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, आइदर टेक बाजार का जो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन पड़ा हुआ है वहां से भी आप इसको बाय कर सकते हो। वापस से मैं अपने पहले बिंदु पे आऊंगा कि आप जब बैटरी परिवार से, बैटरी स्कूल परिवार से जुड़े हो तो लाइफ पूरा प्रॉपरली जुड़िए, वीडियोस को देख के आगे मत बढ़ जाइए, अपनी राय हमें दीजिए किन मशीन्स पे हम काम करें, किन मशीन्स की हमारी इंडस्ट्री को ज्यादा जरूरत है।
क्या प्रोसेस हमें सुधारना चाहिए। जो इंडस्ट्रीज कामयाब है वो आपसे बात करने नहीं आएंगे, वो अपने काम में मस्त है। अगर हमें आगे बढ़ना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ना है, तो हमें एकजुट होना पड़ेगा, अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर करना पड़ेगा। टेक बाजार या बैटरी स्कूल एक ऐसा माध्यम हमने बिल्डअप किया है कि आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हो और हम अपनी बात आप तक पहुंचा सकते हैं। क्या इससे पहले पूरे 20 साल लगभग मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते हुए कंसल्टेंसी के अलावा कोई भी ऐसा माध्यम था कि हम एक दूसरे से बात कर सके? नहीं था। तो मेरी रिक्वेस्ट प्लीज मानिए, बैटरी परिवार से जुड़िए, टेक बाजार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।